हेलो एंड वेलकम टू कोरल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। दोस्तों आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ 2018 के अंदर ब्लॉक शेडो के बारे में। ब्लॉक शेडो की कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कुछ देखेंगे, नया टूल है क्योंकि इससे पहले हमारे किसी कोरल में नहीं था, तो हम उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आज सभी को दिखाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस सब्सक्राइब रेड सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। और गूगल पे सर्च करने के लिए CDTFB सर्च करेंगे आप तो आसानी से आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, CDTFB सर्च करके गूगल पर आराम से। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल। तो ये सबसे पहले तो हमारा ये टूल्स के अंदर एक नया टूल ऐड हुआ है, देखेंगे ड्रॉ ब्लॉक शेडो। ये ब्लॉक शेडो सॉलिड शेडो क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वेक्टर, उसको आप सेलेक्ट ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। और ये ब्लॉक शेडो को आप सेलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो शेडिंग बना देगा इस तरह की, देखिए। और इसके अंदर का अगर आप फिल कर लेंगे तो आपको शेडो की डिटेल्स इस तरह दिखाई देगी कुछ, जहाँ मूव करेंगे, जितना मूव करेंगे इस तरह से क्रिएट कर देगा। यहाँ हम ऊपर टॉप बार में देखेंगे तो यहाँ से हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बार में से कलर। ये सेटिंग्स इसकी पूरी होती हैं, देखिए ये सभी इसकी यहाँ से सेटिंग्स हैं सब इसकी बार में। इन सभी सेटिंग्स को हम मैनिपुलेट करेंगे तो इसकी सेटिंग छेड़ी जा सकती हैं, वो मैं अभी दिखाऊँगा आपको किस तरह से। तो ये ब्लॉक शेडो है, अब हम देखेंगे कि इससे क्या यूज है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट पर दिखाऊंगा आपको कि टेक्स्ट पे डेमो कैसे देंगे, देखिए इस तरह से कोई टेक्स्ट हम टाइप कर लेंगे, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो चाहें, राउंड कॉर्नर ले लेते हैं इस तरह, देखिए इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप शेड में, ब्लॉक शेडो में और इसमें डिफरेंस समझ सकेंगे। देखिए एक अच्छा शेडो क्रिएट करेगा ये, इसका हम मैन्युअली यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट नीचे से, ड्रॉप शेडो पर ही दिखा, ब्लॉक शेडो पर ही दिखाएगा सॉरी, कोई भी कलर हम चेंज कर सकते हैं इस तरह, जो भी हमें यूज करना है इसके अकॉर्डिंग। ऊपर यहाँ से टॉप बार में से भी हम चूज कर सकते हैं। अब हम इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे, देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। हम इसकी पहले कॉपी ले लेते हैं कुछ, एक कॉपी ले लेते हैं, फिर एक और कॉपी ले लेते हैं, एक और कॉपी ले लेते हैं, थ्री कॉपीज हमने ले ली। अभी हम सबसे पहले एक कॉपी को, फोर कॉपीज हो गई, इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे, देखिए ब्रेक अपार्ट ब्लॉक शेडो। अब ये अलग अलग हो गए हैं, ये देखिए ये हमने ब्रेक पार्ट किया, सिंपल ब्लॉक शेडो डाला और उसको ब्रेक अपार्ट कर दिया तो इस तरह का सॉलिड फिल आएगा। अब हम दूसरे वाले के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई, ये देखिए, और उसको फिर ब्रेक अपार्ट करेंगे, ये ब्रेक अपार्ट कर दिया हमने, तो ये देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा, ये इस तरह का शेडो क्रिएट करेगा। सिंप्लीफाई किया है सिर्फ हमने, उसको सिंप्लीफाई कर दिया उसके अंदर से टेक्स्ट को। अब थर्ड में हम ब्लॉक शेडो यूज किया, फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई के साथ यहां से एक गैप देंगे तो वो गैप हमारा यहां क्रिएट होगा, देखिए हमारे टेक्स्ट के और ब्लॉक शेडो के बीच में, ये देखिए इस तरह से। लेकिन ये आउटलाइन के तौर पर एक दिखा रहा है, आप देखेंगे आउटलाइन में दिखा रहा है, तो इसको हम एक तो कॉपी इसकी लेंगे, देखिए यहाँ, और इसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे फिर से, तो ये ब्लॉक शेडो ओवर साइज का एक बन जाता है हमारा, जिसको हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं। एक ये हुआ और एक इसको हम यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो इसको आउटलाइन को ब्लैक कर, वाइट कर देगा, ट्रांसपेरेंस। हम इसको बैकग्राउंड को डालकर देखेंगे इसके बिहाइंड, तो आप देखेंगे कि वो बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन इसको बैकग्राउंड को हम
अगर यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ हमें आउटलाइन दिखाई देगी ब्लॉक शेडो के साथ में। तो ये ब्लॉक शेडो इस तरह का हो जाता है सिंप्लीफाई करने से। इसको अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और ये वाला हम ऑप्शन यूज करेंगे ओवर प्रिंट ब्लैक शेडो, तो ओवर प्रिंट का आ जाएगा, उसमें पूरा ओवर प्रिंट होता हुआ आएगा। ये देखिए, ये आपने अलग अलग इसके मोड्स देखे, ये ब्लॉक शेडो का आउटलाइन को नन करने का, जनरेट करने का। सिंपली देखिए एक्टिवेट कर दिया इसको। अब आप जितनी पॉइंट की देना चाहते हैं उतने पॉइंट की आउटलाइन ब्लॉक शेडो पर दे सकते हैं और उसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे तो ये इस तरह का शेडो बनेगा। एक आउटलाइन का मार्जिन बढ़ गया। देखिए इसको और इसको साथ में आप रखकर देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या है। देखिए वायर फ्रेम कर देख सकते हैं आप इनका डिफरेंस। अगर एक दूसरे पर रख लेंगे इसको बिल्कुल परफेक्ट तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखिए इतना डिफरेंस है। तो ये ब्लॉक शेडो टेक्स्ट पे इस तरह काम करता है, इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। लेकिन इसको सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, हम इसमें ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमने ब्लॉक शेडो क्रिएट किया है तो अब हम यहाँ ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ब्लैक येलो ऊपर कोई और, टॉप पर कोई और कलर यूज कर सकते हैं, कुछ भी कलर मॉडिफाई कर कर आप। ये देखिए ग्रे डाल देंगे, सिल्वर का इफेक्ट आ जाएगा आपका। आप इसको व्हाइट कर सकते हैं, इसको सिल्वर इफेक्ट दे सकते हैं, फिर यहाँ से सिल्वर। इसको हल्का सा कंटूर करेंगे टेक्स्ट को, देखिए कितना और कम कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे हम कंटूर को, और यहां से इसके अंदर हम सिल्वर देंगे तो एक इफेक्ट हमारा स्टील का बन जाएगा, स्टील ग्रे इफेक्ट। देखिए इस तरह से उसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, जितनी उसमें लाइटिंग इफेक्ट और वो दिखाना चाहते हैं जितनी ज़्यादा उतना ऐड कर सकते हैं। ये स्टील ग्रे बन गया है आपका। यहाँ आप मॉडिफाई करके ब्लॉक शेडो के डार्क को और डार्क कर सकते हैं, डेंसिटी इस तरह से, जहाँ भी आप लाइटिंग का इफेक्ट दिखाना चाहते हैं ज़्यादा वहाँ मूव कर सकते हैं इस तरह से। देखिए जितनी भी डेंसिटी आपको दिखानी है उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्लॉक शेडो टेक्स्ट के साथ हम इस तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये हर ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा। स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर के साथ, रेक्टेंगल के साथ, ये रेक्टेंगल के साथ आप ब्लॉक शेडो का यूज करेंगे, उसी तरह ये क्रिएट करेगा, एक शेडो क्रिएट कर देगा, आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं। उसी तरह इसमें भी आउटलाइन आप 0.25 की, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आउटलाइन यहाँ से नन कर देंगे ऑब्जेक्ट की, ये देखिए फिर ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, ये शेडो इस तरह से बन जाएगा। हम इसमें ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट यहाँ से हमने लिया, हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे इसमें रेडियल, यहाँ हम कोई कलर मजेंटा यूज़ कर सकते हैं इस तरह। लाइटिंग का इफेक्ट आ गया, एंड में एज पे देना चाहते हैं तो एज पे दिखाई देगा आपकी, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए इसको हम यहां से कॉपी करेंगे प्रॉपर्टीज इसकी। देखिए इसको हम ग्रेडियंट को फ्लिप कर लेंगे इस तरह तो ये कंट्रास्ट बन जाएगा। तो ये शेडो देखिए ब्लॉक का एक इम्पैक्ट बन रहा है। इसी तरह हम टेक्स्ट पर दे सकते हैं, किसी भी शेप पर दे सकते हैं। ये देखिए इसको हम कलर फिल कर लेंगे कोई, फिर से ब्लॉक शेडो देंगे, जितने एंगल पर हमें देना है उतने एंगल पर दे सकते हैं। बहुत लाइट और बहुत इजीली ये क्रिएट करता है। देखिए हम इसको वर्टिकल डेप्थ दिखाने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें यूज़ करना है तो यहाँ हम हल्की सी 3D डेप्थ निकाल सकते हैं इसकी। देखिए निकाल ली हमने 3D डेप्थ। इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे,
सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा है हमारे लिए। इसको हल्का सा साइज को ब्रेक अपार्ट करेंगे इसको कंट्रोल के से, और हल्का सा इसको ओवर करेंगे और यहाँ एज से नीचे ले आएंगे। देखिए इसकी डेप्थ हल्की सी, इसको एज से मिला लेंगे, इसको इस तरह थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये इसकी डेप्थ बन जाएगी। ग्रेडियंट यूज करेंगे, ब्लॉक शेडो को वेक्टर शेडिंग बनाने के लिए बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीका होता है, बहुत यूजफुल टूल है डिजाइनिंग के लिए। देखिए कितनी आसानी से आप कुछ भी इफेक्ट बना सकते हैं इससे काफी। इसी तरह किसी बॉर्डर को अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, सपोज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं, देखिए सब वेक्टर हैं, सब सेपरेट हैं, लेकिन इन सब की आप डेप्थ दिखाना चाहते हैं हल्की सी, तो इनको ग्रुप कर लेंगे हम एक साथ, फिर ब्लॉक शेडो को टूल को यूज करेंगे हम। देखिए जिस एंगल पर हम दिखाना चाहते हैं इसकी डेप्थ, ये हल्की सी एक 3D फील देगा आपको। फिर इसकी स्नैपिंग हम ऑफ कर देंगे, ये देखिए इसको हम ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, जितनी भी डेप्थ हमें फाइनलाइज करनी होगी उस हिसाब से। ये देखिए इसको शेडो पर जाएंगे, ब्रेक अपार्ट करेंगे और इसकी शेडिंग हम किसी कलर की कर देंगे, ग्रे। देखिए कितनी आसानी से शेड इसके बन गए आसानी से। तो ये ब्लॉक शेडो है, हेडिंग वगैरह में आप देखते हैं, हेडिंग वगैरह बनाने में बहुत काम आता है। बुक कवर्स की हेडिंग होती हैं, जैसे आपको ये एक साइड में रख देते हैं हम, सपोज ये कोई बुक कवर है 5x7 inches, इसका नाम हम रख देते हैं कोरल ड्रॉ। हम इस पे हेडिंग पे कुछ काम कर लेंगे, सपोज इस तरह से, ग्रेडियंट कुछ भी हम इस पे काम कर सकते हैं अपना। ये मजेंटा और ब्लैक का हम बना लेते हैं, ये देखिए हम यहाँ इसका ब्लॉक शेडो बनाएंगे। ये देखिए इसके अंदर हम आउटलाइन देंगे इसकी 1.25, या हम इसको ब्लॉक शेडो की आउटलाइन ना देकर अलग से भी कर सकते हैं। देखिए हम अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन देंगे जो हमारा सिलेक्ट है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन हम 4 point की देते हैं, बिहाइंड कर देंगे इस तरह से, तो हमारा ब्लॉक शेडो अपनी जगह काम करेगा। ये देखिए ब्लॉक शेडो हमारा आउटलाइन के साथ भी काम करेगा, ये देखिए कितनी अच्छी एक, क्योंकि अगर हम इसकी आउटलाइन दे देंगे तो हमें ये बैकग्राउंड डिस्टर्ब नहीं करेगी, देखिए वाइट आएगी ये बैकग्राउंड के साथ, काफ़ी अपीलिंग रहेगा। यहाँ से हम इसको ब्रेक अपार्ट कर लेंगे, फिर बाद में आउटपुट को भेजने से पहले इसके अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं आप, इसके साथ शेडिंग वगैरह, लाइटिंग इफेक्ट कुछ भी बना सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं आप कर्व के साथ, इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, यहाँ हल्का सा कर्व क्रिएट कर देंगे। देखिए वाइट ट्रांसपेरेंसी हम टूल का यूज़ करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई सॉरी ओवरले यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ, सॉरी सॉफ्ट लाइट, ये सॉफ्ट लाइट चलेगा, ऊपर से आप चाहें तो उसको ट्रांसपेरेंसी को मर्ज कर सकते हैं इस तरह, या ट्रांसपेरेंट भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट को ब्रेक कन्वर्ट टू कर्व करेंगे टेक्स्ट को, और इसको पावर क्लिप कर देंगे इस टेक्स्ट के इनसाइड। ये देखिए हल्का सा ब्लॉक शेडो, हल्का सा रिफ्लेक्शन, और ये एक डायनेमिक हेडिंग आपकी तैयार हो गई कवर के लिए रिफ्लेक्शन वाली। इसके कलर आप कॉम्बिनेशन जब अच्छे डालेंगे, अच्छे यूज़ करेंगे, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी आपको बनने के बाद। देखिए ये
जब इस पे कॉम्बिनेशंस अच्छे लगाए जाएंगे तो ये बहुत अच्छा कवर बनकर आएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ब्लॉक शेडो क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, टेक्स्ट के साथ, कवर के साथ। अब इस ब्लॉक शेडो के साथ आप ड्रॉप शेडो भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी एजेस ब्लर आ जाएं। ये देखिए हल्का सा ब्लॉक शेडो के साथ ड्रॉप शेडो, ब्लॉक शेडो पर अप्लाई करेंगे लेकिन हम इस बार टेक्स्ट पर नहीं करेंगे। देखिए फेदर आ जाएगा जितना हमें देना है। देखिए डेप्थ इसको एवरेज कर लेंगे, यहाँ से मिडिल कर सकते हैं, आउटसाइड जो भी हमें यूज करना है, जितनी हमें डेंसिटी चाहिए उस हिसाब से। देखिए अच्छा डेप्थ वाला रियलिस्टिक इफेक्ट बन रहा है। इस तरह से आप काफी चीजें बना सकते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं काफी कुछ। इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे शेडो को भी। इसके अंदर अगर आप चाहें ब्लॉक शेडो के अंदर कॉम्बिनेशन ट्राई करना, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस वाली हेडिंग का कलर, आउटलाइन नहीं लेंगे। ये देखिए हेडिंग से ग्रेडियंट लेंगे, इस तरह हम फ्लिप कर देंगे इसको। जैसे यहाँ छोटी छोटी चीजें, ये डिटेलिंग इसकी अगर आप चाहें व्हाइट निकालना, तो यहाँ से आप व्हाइट बॉक्स क्रिएट करेंगे, यहाँ इसको व्हाइट करेंगे, टेक्स्ट के पीछे डाल देंगे हल्का है। देखिए अगर नहीं चाहते ये डिटेलिंग इसकी रियलिस्टिक खत्म हो रही है तो ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरह आप एक अच्छे डिजाइनिंग के इफेक्ट अचीव कर सकते हैं ब्लॉक शेडो को यूज करके भी। सिंपली ब्लैक रखना चाहें ब्लैक रखिए, आप जैसे चाहें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ब्लॉक शेडो का यूज कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको यूजफुल रहेगा काफी ये ब्लॉक शेडो का इफेक्ट। और अगले वीडियो में कुछ नए आपको इस नए टूल के बारे में बताऊंगा जो बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छा इफेक्ट आपको दिखाऊंगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आपके सामने आते रहें। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CTTFB फैमिली।